दोस्तों चंद्रयान 3 ने भेजी चंद्रयान 2 की फोटो। चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 की फोटो को कैप्चर करके भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के पास भेज दी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ था और वापस कैसे जिंदा होगा चंद्रयान 2। दोस्तों चंद्रयान 3 की ताकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। इससे पहले कि हम आपको इसरो के कमाल के बारे में बताएं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया और सबको ये कहने के लिए मजबूर कर दिया कि ये असंभव है। जब उसने चंद्रयान 2 के बारे में पूरी जानकारी इसरो को दी, इसके बाद अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा और स्पेस क्राफ्ट भी चंद्रयान 3 पर नजर गड़ाए बैठे हैं। इसरो ने पूरी दुनिया को बता दिया कि उसके अंदर जितनी ताकत है दुनिया के किसी भी देश की स्पेस एजेंसी में नहीं है। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने से पहले ही ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर हर एक भारतीय का सीना चौड़ा हो गया। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद ऐसे रिकॉर्ड बना रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। 14 जुलाई को हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाला चंद्रयान 3 तकरीबन 17 दिनों के बाद पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में जा चुका है। जब इसको पृथ्वी से चंद्रमा की तरफ शिफ्ट किया गया तब इसकी स्पीड तकरीबन 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई थी। आपको बता दें कि चंद्रयान 3 कुछ और दिनों के बाद 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अब की बार इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिटर इसरो ने चंद्रयान 2 के साथ भेजा था वो अभी भी सही सलामत काम कर रहा है और वो आगामी 10 वर्षों तक ऐसे ही काम करता रहेगा। चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में जाने के बाद ये ऑटोमेटिक पहले वाले ऑर्बिटर से कनेक्ट हो जाएगा। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ये पृथ्वी के आकार का लगभग 1/4 और द्रव्यमान यानी मास का 1/6 हिस्सा है, यानी कि छठा हिस्सा है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 28 दिन में करता है और अपने कक्ष पर घूमने में भी उतना ही समय लगाता है। यही कारण है कि हम हमेशा चंद्रमा का एक ही चेहरा देखते हैं और दूसरा चेहरा छिपा रहता है, जिसे डार्क साइड कहा जाता है। चंद्रमा की सतह चट्टान और धूल से बनी है। चांद पर कोई वातावरण नहीं है और वहाँ पर पानी होने की भी संभावना है। चांद के धरती की सतह पर कई विशाल गड्ढे हैं जो उल्का पिंडों के टकराने से बने हैं। चंद्रमा पर कुछ पहाड़ भी हैं जिनमें से कुछ की ऊंचाई 11,000 मीटर तक है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 हिस्सा होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका वजन पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर आपका वजन केवल 10 किलोग्राम होगा। चंद्रमा पर कोई मौसम नहीं है। इसका कारण ये है कि वहाँ पर कोई वातावरण नहीं है। बिना वातावरण के सूर्य और अंतरिक्ष से आने वाली गर्मी और ठंड को चंद्रमा की सतह पर संरक्षित नहीं किया जा सकता। इसीलिए चंद्रमा की सतह पर दिन में बहुत गर्मी और रात को बहुत ठंड होती है। अब बात करते हैं कि चंद्रयान 3 आखिर चांद पर क्या करेगा। चंद्रयान 3 चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद चंद्रयान का रोवर चांद की सतह पर भयानक गड्ढों और चांद पर पानी की मौजूदगी का राज खोलने वाला है। अभी भी हमारा चंद्रयान चंद्रमा से तकरीबन 2,00,000 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे चंद्रयान में लगे हुए हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरे ने चंदा मामा की पहली तस्वीर भारतीय स्पेस कंपनी इसरो को भेज दी है। इस बार चंद्रयान पर तकरीबन 19 से ज्यादा कैमरे, 240 सेंसर और 4 पेलोड लगाए गए हैं जो इसको सही रास्ते पर लेकर जाता है और किसी भी तरह के आने वाले खतरों का पूर्वानुमान करके हमारे चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने में मदद करेंगे। दोस्तों 2019 में इसरो ने अपना चंद्रयान चांद पर भेजा था, जिसकी किसी तकनीकी खराबी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और ना ही उसका रोवर बाहर आ सका था। लेकिन उसके तकरीबन 4 साल के बाद भेजे गए चंद्रयान 3 ने उसकी फोटो को इसरो के सर्वर पर भेज दिया है। तकरीबन 2,00,000 किलोमीटर दूर से ली गई फोटो में आप देख सकते हैं कैसे चंद्रयान 3 का मलबा अभी भी चांद पर पड़ा हुआ है।
जिसे कैमरे में देखा जा सकता है कि चंद्रयान 2 अपनी पिन पॉइंट लोकेशन से तकरीबन 50 मीटर आगे जाकर लैंड किया था, जिसकी वजह से उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। क्रैश लैंडिंग होने के बाद चंद्रयान 2 उल्टा हो गया था, जिसके कारण उसका गेट नहीं खुल सका और उसकी वजह से ही शायद हमारा रोवर बाहर नहीं आ सका। आपको जानकारी दे दें कि चंद्रमा पर आज भी चंद्रयान 2 का मलबा तकरीबन 100 मीटर की दूरी तक फैला हुआ है, जिसको हमारे चंद्रयान 3 के हाई रेजोल्यूशन कैमरों ने बहुत ही सटीक तरीके से कैप्चर किया है। जैसे जैसे चंद्रयान चंद्रमा के करीब जाएगा, वैसे वैसे और भी बढ़िया क्लैरिटी वाली इमेज और वीडियोस हमारे इसरो को भेजता रहेगा। इसमें लगे हुए सैकड़ों सेंसर्स इसकी लैंडिंग के समय तो हेल्प करेंगे ही, साथ ही वहां की मिट्टी, चंद्रमा पर पानी, भूकंप, पहाड़, गड्ढे और तापमान की भी जानकारी हमारे इसरो को देते रहेंगे। इस सब की जानकारी मिलने के बाद ही इनके आंकड़ों के आधार पर गगनयान इसरो लॉन्च करेगा, जिसमें हमारे खुद के एस्ट्रोनॉट गगनयान में बैठकर चंद्रमा पर जाएंगे और पूरी दुनिया में अपना नया रिकॉर्ड बनाएंगे। वहीं हम अगर चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के कुछ मेजर डिफरेंट की बात करें, तो चंद्रयान 2 मिशन की असफलता के बाद इसरो ने इस बार चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 को डिटेक्शन और वाइड लेंस कैमरा के साथ लॉन्च किया गया है, जिसका उपयोग लैंडिंग के समय नियंत्रण के लिए किया जाएगा, क्योंकि लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। सफलतापूर्वक लैंडिंग करने के बाद वहां की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें और वीडियो बनाने के लिए भी कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऐसे 2 कैमरे लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान 2 में केवल 1 कैमरा था। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को उपकरणों की प्रभावशाली सूची के साथ लॉन्च किया गया था, जो अभी भी चंद्रमा की कक्षा में काम कर रहा है। पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर इंटू 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थी। इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। आपको बता दें कि अब की बार उसमें ऑटोमेटिक सेंसर भी लगाए गए हैं, जिससे अब की बार इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होना तय है। इसरो के अनुमानित समय के अनुसार चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकरीबन 23 अगस्त को होगी। इस बार भारत दोबारा चांद की सतह पर लैंडिंग का प्रयास कर रहा है, वो भी ऐसी जगह जहां पर अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की है और ना ही हिम्मत दिखाई है। वैसे दुनिया में 11 देश हैं जिन्होंने अपने मून मिशन भेजे हैं। अगर भारत का ये मिशन सफल होता है तो दक्षिणी ध्रुव के पास लैंडर उतारने वाला पहला देश बन जाएगा और भारत दुनिया की पहली स्पेस एजेंसी बन जाएगी। आपको बता दें कि आज के समय में इसरो दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई स्पेस कंपनी है। अगर हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो वो समय दूर नहीं जब पूरी दुनिया में अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा से पहले हमारे देश की स्पेस कंपनी इसरो का नाम लिया जाएगा। दोस्तों, हमारे चंद्रयान 3 पर अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों की स्पेस कंपनियां नजर गड़ाए बैठी हैं, क्योंकि हमारा चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा, जहां पर आज तक कोई भी देश अपने यान को लैंड नहीं करवा पाया है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि अमेरिका अपने सभी मून मिशन में कुल 26 बार फेल हो चुका है, जबकि रशिया को 14 बार फेलियर का सामना करना पड़ा। लेकिन भारत ने तो अपनी पिछली असफलता से इतनी बारीकी से सीख ली कि इस बार चंद्रयान 3 का सफल होना तय माना जा रहा है। इस विषय पर बात करते हुए इसरो के मौजूदा चीफ एस सोमनाथ ने बताया कि चंद्रयान 2 मिशन में भले ही हम असफल हुए हों, लेकिन बड़ी बात ये है कि हम इससे सीख लेकर आगे बढ़े हैं। आगे उन्होंने कहा कि असफलता मिलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम कोशिश करना ही बंद कर दें। चंद्रयान 3 मिशन से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इस बार हम इतिहास रचेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी अपने देश की स्पेस एजेंसी इसरो पर गर्व है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आप इसरो की इतनी बड़ी सफलता और चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बारे में क्या सोचते हैं? जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।